दोस्तों बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जिसका नाम है भेड़िया और खुद सुपरस्टार वरुण धवन को और उनके फैंस को बहुत ही उम्मीदें थी इस मूवी को लेकर कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी और एक बड़ी सुपरहिट साबित होगी। लेकिन बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देते आ रहे वरुण धवन की एक बार फिर से किस्मत साथ देते हुए नहीं दिख रही है और भेड़िया मूवी भी फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भेड़िया मूवी ने टोटल अब तक 5 दिनों में इंडिया से 40 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन करने में कामयाब हो पाई है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि भेड़िया मूवी अपने पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और जब मंडे वाला दिन आया तो भेड़िया मूवी के कलेक्शन में जबरदस्त फॉल देखने को मिला और यही रीजन है कि अब भेड़िया मूवी को बहुत ही जल्द फ्लॉप मूवी घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद वरुण धवन के कैरियर को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, जिसके बाद हो सकता है कि उनका कैरियर भी खत्म हो जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस मूवी को IMDB पर 8.2 की शानदार रेटिंग मिली है और इस मूवी को रिलीज के बाद क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक इस मूवी को देखने नहीं जा रही, जबकि अगर बात की जाए दृश्यम 2 की तो दृश्यम 2 अपने दूसरे हफ्ते भी भेड़िया मूवी से ज्यादा कलेक्शन कर रही है और इस तरह से भेड़िया मूवी को उसने पछाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दृश्यम 2 मूवी ने अपने दूसरे मंगलवार को 5 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब हो गई है, वहीं भेड़िया मूवी अपने पहले ही मंगलवार को फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है और केवल 3 करोड़ ही कलेक्शन करने में कामयाब हो पाई है। और अगर क्लाइमेक्स को छोड़ दें तो दृश्यम 2 मूवी भी इतनी जबरदस्त नहीं है जितना कि लोग उस मूवी को देख रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दृश्यम 2 एक सिक्वेल मूवी है और उसके पहले पार्ट को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, और जब किसी भी मूवी का पहला पार्ट लोगों को पसंद आता है तो उस मूवी का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से ज्यादा कमाई करता है, चाहे उसके अंदर स्टोरी उतनी खास ही क्यों ना हो। लेकिन भेड़िया मूवी के मामले में क्रिटिक्स का यही मानना है कि भेड़िया मूवी एक ठीक ठाक मूवी है, फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, लेकिन इतनी भी खास नहीं है कि लोगों को मजबूर कर दे सिनेमा हॉल आने पर, और वरुण धवन इतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं है कि लोग उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने पर मजबूर हो जाएं।